संविधान दिवस के अवसर पर सिरमौर जिला भाजपा कार्यालय में जिला के प्रमुख नेताओं ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और संविधान के प्रति को नतमस्तक होते हुए संविधान की अनुपालना करने का संकल्प लिया। डॉक्टर बिंदल ने इस मौके पर मुख्य अतिथि के नाते बोलते हुए कहा कि बाबा साहब भारत के संविधान के मुख्य शिल्पी रहे हैं। भारत के संविधान में सभी भारतवासियों के लिए अधिकार और कर्तव्यों का संपूर्ण समावेश है। सभी जाति पंथ संप्रदाय के लिए श्रद्धा व समान भाव का अधिकार है और इसी संविधान के आधार पर भारत देश लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि 60 साल के कांग्रेस राज में संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। बाबा साहेब के संविधान में 70 बार परिवर्तन किए गए। वोटों के लालच में सांप्रदायिक भावनाएं भड़काई गई। अब वो जातियों का विष फैलाकर वोटों की राजनीति कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार को आए 2 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और जैसा मैंने मीडिया के माध्यम से देखा है कि बिलासपुर में सरकार 2 साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। सत्ता में आने से पहले 28 लाख बहनों को कहा था पहली कैबिनेट के अंदर 1500 रुपया महीना मिलेगा। 100 से ज्यादा कैबिनेट हो चुके हैं, किसी को कुछ नहीं मिला है। आपने विकास कार्य बंद कर दिए, 1500 संस्थान बंद कर दिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बंद कर दिए। आपने गैर कानूनी तौर पर अपने दोस्तों को, मित्रों को और कैबिनेट की रेवड़ियां बांट दी, कैबिनेट रैंक बांट दिए, उनके ऊपर करोड़ों रुपया व्यय कर दिया। विकास के लिए आपके पास खजाना खाली है और मित्रों के लिए सब कुछ है, इस बात का जश्न मनाना है। किसान को आपने 100 रुपए लीटर दूध का वायदा किया था, वो त्रस्त है, इस बात का जश्न मनाना है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता को और एक एक चीज स्मरण कराएगी कि ये जो 2 साल का कार्यकाल है ये हिमाचल के इतिहास का काला अध्याय है।